हेलो एवरीवन, वेलकम टू एकलव्य स्टडी पॉइंट। और मेरा नाम है सचिन। और आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को सीबीएसई बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए क्लास 12th हिंदी कोर्स है जो आपकी कविता है आत्म परिचय और दिन जल्दी जल्दी ढलता है, इसके मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स करवाने वाला हूँ आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। और फ्री पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड करवा दी जाएगी। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। और आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर लें, यूजर नेम आप सभी के सामने लिखा हुआ है। और टेलीग्राम ग्रुप आप ज्वाइन करना ना भूलें, वहां पे आपको जितने भी पीडीएफ नोट्स हैं वो प्रोवाइड करवा दिए जाते हैं। क्लास 12 ईएसपी न्यू ग्रुप आपको सर्च मारना है और वहां पे आपको जितने भी नोट्स होंगे वो मिल जाएंगे। सो सबसे पहला सवाल है हमारे सामने, आत्म परिचय कविता के कथ्य को अपने शब्दों में प्रस्तुत करें। मींस जो आत्म कथ्य कवि सॉरी आत्म परिचय जो कविता है उसमें क्या बताया जा रहा है, क्या कहा जा रहा है। सो आत्म परिचय कविता के अंदर जो कवि हरिवंश राय बच्चन जी हैं वो ये कहते हैं कि कितनी सारी प्रॉब्लम वो फेस कर रहे हैं, संसार की कठिनाइयों से वो गुजर रहे हैं, जूझ रहे हैं, फिर भी वो अपनी लाइफ को प्यार करते हैं, अपने जीवन से प्यार करते हैं और वो अपनी आशाओं और निराशाओं से संतुष्ट हैं। मीन्स लाइफ में जो मिला है उनको, आशा हो या निराशा, दोनों में वो सेटिस्फाई हैं और वो संसार को अपना गीत सुना रहे हैं। ठीक है, अपना गीत गाकर अपना दर्द सुनाने की कोशिश कर रहे हैं। अगला सवाल है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है कविता के आधार पर चिड़िया के पदों में मतलब चिड़िया के पंखों में चंचलता या चिड़िया के पदों में चंचलता और कवि के पदों में शिथिलता के कारण पर प्रकाश डालो। मींस जो चिड़िया है वो धीरे धीरे, वो मतलब जो कवि है वो शिथिल हो जाता है। शिथिल मींस थोड़ा ठंडा पड़ जाना, चलते चलते धीरे चलता है, और चिड़िया जो चलती है वो जल्दी 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 चलती है। सो ये ऐसा क्यों है? तो देखो, चिड़िया के जो पर होते हैं, ठीक है, पर लिखा हुआ है पर, सो चिड़िया के जो पर होते हैं उसके अंदर एक चंचलता होती है क्योंकि उसको पता है कि भाई मेरा जो घोंसला है वहां पर मेरे छोटे छोटे बच्चे मेरा इंतजार कर रहे होंगे, है ना, चिड़िया का जो घोंसला होता है। वहीं जो कवि है उसके पैर थोड़े से कैसे हो जाते हैं, ठंडे पड़ जाते हैं, धीरे हो जाते हैं, क्योंकि उसको पता है कि भाई उसके लिए कोई वेट नहीं कर रहा, ना उसका कोई सगा संबंधी, ना उसको कोई चाहने वाला, कोई ना उसके मिलने के लिए एक्साइटेड। तो कवि अपना धीरे 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 चलता हुआ जा रहा है और अकेलापन जो है उसका वो बहुत ही ज्यादा तंग करता है, यही हमारी कविता बताती है। अकेलेपन से रिलेटेड ही कविता है। और मानव ही नहीं बल्कि पशु पक्षी भी भावनात्मक रिश्तों के कारण अपने जीवन में उत्साह निराशा का अनुभव करते हैं। मीन सिर्फ इंसानों को इमोशन नहीं होते भाई, पशु पक्षियों को भी इमोशंस होते हैं कि हाँ भाई मेरा बच्चा छोटा घोंसले में मेरा वेट कर रहा होगा, मैं जल्दी जल्दी एक्साइटेड होकर पहुंचूं और उसको कुछ खिलाऊं, ये जानवरों में भी होता है। फिर है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है गीत के माध्यम से, वस्तुतः कवि क्या कहना चाहता है। सो इस कविता के अंदर या इस गीत के अंदर कवि अपना अकेलापन दिखाता है, अपनी लाइफ में वो कितना लोनली है और कितना उसको पीड़ा का अनुभव करना पड़ रहा है, दर्द। और ये जो पथिक की थकान, अगर देखो कोई थका हुआ, पथिक का मतलब है कोई रास्ते पे चलता हुआ व्यक्ति, अगर वो बहुत थक हार कर घर जा रहा है और उसको पता है मेरे परिजन, मेरे रिश्तेदार, मेरी फैमिली मेरा वेट कर रही है, तो उसमें एक इंटरेस्ट होता है यार कि हाँ जल्दी जल्दी घर पहुंचूं, मेरे बच्चे, मेरी बीवी, मेरे माता पिता मेरा वेट कर रहे होंगे। वहीं अगर कोई आपका है ही नहीं परिवार में अपना, सो आपको क्या एक्साइटमेंट होगी भाई वापस जाने की, अकेलापन है ना, घर जाके अकेले रहना है। सो अकेलेपन अगर आपको बहुत ज्यादा अकेलापन घेर लेता है तो आप लौटते समय धीरे धीरे अपने कदम धीरे कर देते हो, ठंडे पड़ जाते हैं। और दिन और रात के माध्यम से कवि ने जीवन और मृत्यु को प्रतीक मानकर बताया है यहाँ पे, ठीक है, कि मतलब दिन का वर्णन क्यों हो रहा है यहाँ पे। जब दिन खत्म होता है तो जो रास्ते पे चलने वाला व्यक्ति है वो जल्दी जल्दी अपनी मंजिल पर पहुंचना चाहता है। कहते हैं ना भाई शाम हो गई है जल्दी घर पहुंचो क्योंकि बच्चे इंतजार कर रहे होंगे घर पे। और यहाँ पे बच्चों की तुलना कवि ने पक्षियों के बच्चों से करी है कि भाई जैसे एक चिड़िया के पैर हैं वो चंचल होते हैं, वो जल्दी जल्दी जाती है घोंसले में अपने, ठीक है, और वो मिलने को व्याकुल होती है, मेरे बच्चे क्या कर रहे होंगे, ऐसा इंसान होता है भाई। अगर आपकी फैमिली है ना प्यारी सी, आपको वेट होगा, एक्साइटमेंट होगी घर जाने की, मैं जल्दी से घर पहुंचूं, और वो बेचैनी रहेगी। सो दिन जल्दी जल्दी ढलता जा रहा है यानी कि व्यक्ति का जीवन धीरे धीरे मृत्यु की ओर बढ़ता जा रहा है, ठीक है, मतलब एक टाइम आएगा जब आप बिल्कुल शिथिल हो जाओगे, शांत हो जाओगे, और ये जीवन में जो अकेलापन आता है ये बहुत दर्द देता है। सो यही है, अगर कोई व्यक्ति काम करके घर लौटता है थका हुआ हारा हुआ और वो यही सोच लेता है कि मेरी फैमिली मेरा वेट कर रही होगी, तो उसकी थकान तो यही सुनकर उतर जाती है, मतलब अकेलापन होगा तो आप और ज्यादा थका थका महसूस करोगे। फिर अगला सवाल है, आत्म परिचय कविता में
कवि हरिवंश राय बच्चन ने अपने व्यक्तित्व के किन पक्षों को उभारा है? मीन्स हरिवंश राय बच्चन जी की पर्सनैलिटी की क्या बातें आपको पता चल रही हैं? सो कवि जो है वो अपने जीवन में जो भी उनको मिला, आशा निराशा अच्छा बुरा, हर चीज से वो एक्सेप्ट करते हैं, हर चीज को वो संतुष्ट रहते हैं देखकर। और कवि जो है अपनी धुन में मस्त रहता है, मीन्स उसको फर्क ही नहीं पड़ रहा किसी और से, वो अपने में मस्त है। और कवि संसार को मिथ्या समझते हुए हानि लाभ यश अपयश सुख दुख को समान समझता है। कवि कहता है ये दुनिया एक मिथ है, आपको जो मिले आप उसमें खुश रहो, आपका हानि लाभ जो हो रहा है, आपको कुछ अच्छा मिल रहा है नहीं मिल रहा, सुख है दुख है, सब चीजों को हंस हंस के एक्सेप्ट करो। और कवि जो है वो बहुत ज्यादा सेटिस्फाई है हर चीज से, वो मतलब ये समझ लो अपने गीत को गाकर ही अपना आक्रोश अपना दर्द बता सकता है, बाकी वो फेस टू फेस जाकर किसी को अपना दुखड़ा नहीं सुनाता। आत्म परिचय कविता का प्रतिपाद्य लिखिए। अब आत्म परिचय कविता का प्रतिपाद्य इतना तो आपको समझ आ गया होगा, अब आप इसमें लिख सकते हो कि भाई कवि के अंदर मतलब कविता के अंदर कवि ये कहता है कि स्वयं को जानना दुनिया को जानने से ज्यादा कठिन है, आप खुद को कभी कभार नहीं जान पाते क्योंकि समाज से व्यक्ति का नाता खट्टा मीठा तो होता ही है। मीन समाज में किसी से आप अच्छे से बात करते हो, किसी से नहीं अच्छे से बात करते होगे। मीन संसार के अंदर आपको हमेशा अच्छा ही मिले ये तो आप नहीं एक्सपेक्ट कर सकते, ठीक है, और आपको कितना भी कष्ट मिले, ठीक है, शासन से प्रशासन से जीवन में, आपको क्या है कि मनुष्य ये दुनिया से अलग नहीं रह सकता, रहना दुनिया के साथ ही है। चाहे समाज में कितना भी दुख मिले आपको, आपकी जो पहचान आपका जो परिवेश वो आपकी दुनिया वही है, ठीक है, आपको रहना ही नहीं लोगों के बीच है चाहे आपको कितना भी दर्द मिले। सो वो यही अपना परिचय बताता है या वो दुनिया को बताता है कि मतलब मेरे दुनिया के साथ संबंध ऐसे हैं कि भाई मैं बहुत ज्यादा अकेला पड़ चुका हूँ, बहुत दुविधा में रहता हूँ, बहुत परेशान रहता हूँ और मैं बहुत ज्यादा हर्ट हूँ, ऐसा ये इस कविता के अंदर बताते हैं, अकेलापन दिखा रहे हैं। सो ये कुछ सवाल हैं, आप करके जाओगे तो आपके कविता वाले क्वेश्चन यहाँ से कवर हो जाएंगे मोस्ट प्रोबेबली। अगर आपको कुछ समझ में आ गया है सो आप फीडबैक देना, ना समझ आया हो तो वो भी आप फीडबैक दे देना, और वीडियो को लाइक करें और वीडियो को शेयर करें। जय हिंद जय